अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ सारे कमरों में सारी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं आपका मेकअप का सामान, जिसने भी तोड़ा उसका चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब कैमरे में ही देखकर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलो फिर चलिए देख लेते हैं। रुको, हमें याद आ गया। नहीं, ये नहीं थी शायद, घूंघट वाली तो नहीं थी। हमने एकदम नजदीक से नहीं, हमने दूर से देखा था। पक्का बोलो झिलमिल जी, आपने इन्हें देखा था या नहीं? अब भाभी कहाँ बताएं, अब हमारा भाई कह रहा है कि हमें चश्मा लगा है, तो लगा होगा चश्मा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या कह सकते हैं। चलो अगला राउंड करते हैं अपन, है? चलो अच्छे से खुशी खुशी करेंगे अगला राउंड। चलो हमारे अगले राउंड का नाम है शयनेशु रंभा। यह एक नृत्य का यानी कि एक डांस कंपटीशन है। इस राउंड में हर प्रतियोगी के पति को उसके साथ डांस कंपटीशन में आना होगा और हिस्सा लेना होगा। तो इसी के साथ बुलाते हैं हमारे पहले जोड़े को, दीपशिखा और राजीव जी को जोरदार तालियां। अर्नब जी किसी भी कीमत पर हमारे साथ नहीं नाचेंगे। झिलमिल दीदी से बचना तो दूर की बात है, अगर वो हमारा साथ देना भी चाहे तब भी सब जान जाएंगे कि वो हमारे हस्बैंड हैं और हम पल्लवी हैं। अगर वो हमारे साथ आना भी चाहे भी नहीं आ पाएंगे। वाह, क्या खूब डांस किया है राजीव और दीपशिखा ने। तो इसी के साथ आप बुलाते हैं हमारे अगले जोड़े को, जिनका नाम है मंचली देवी और उनके पति राम आश्रय परमार। हाय हाय। हमारा नंबर कभी भी आ सकता है, हम आ जाएंगे भोले बाबा। सुनिए ना, मान जाइए ना, मान जाइए, सुनिए तो सही। हम क्या तुम अपने माँ बाप के सामने अपने पति को नचाना चाहती हो? हाँ देखो झिलमिल, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे बस। और सुनो, जब हमारी विदेश यात्रा का खर्चा चाहे तुम्हारे मम्मी पापा उठाएं, चाहे पल्लवी के मम्मी पापा उठाएं या खुद पल्लवी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आने जाने के खर्चे का इंतजाम तो हो गया। हो गया। और शॉपिंग का खर्चा, उसके लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, उसका इंतजाम कर रहे हैं, समझिए। ठीक है, सच्ची में आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। अरे बस, बहुत ज्यादा ही अच्छे। अब देख कर रहे, जाइए जल्दी से, तैयार हो जाइए, जाइए जाइए। और अगला नाम है चंचल देवी और उनके पति श्याम दीन। नहीं, अर्नब जी को इतना नाराज करने के बाद हम उन्हीं से हेल्प कैसे मांग सकते हैं? झिलमिल का नंबर आएगा, उसे तो पहले से ही 0 दे दीजिए, क्योंकि उसकी इस हरकत में उसका साथ देने के लिए दामाद जी तेरे आने से राय। बिल्कुल सही कहा आपने, वो दामा जी मर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे नाचने, इतने गिरे हुए थोड़ी है। और अब बारी है झिलमिल त्रिपाठी और उनके पति
शाश्वत त्रिपाठी जी की। झिलमिल त्रिपाठी प्रजन सर, शाश्वत त्रिपाठी अपसन सर। शाश्वत त्रिपाठी प्रेजेंट सर। दामाद जी, कह दीजिए कि दामाद जी नहीं और जो भी हम देख रहे हैं एकदम झूठ है। एक ससुर के सामने उसका दामाद तातैया तातैया कर रहा, इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है हमरे देखने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। गुलाबी लाल गाल काले घुंघराले बाल बाल, खुद ये बारूद के पूरे शहर में आग लगाएगी। अरे भाई तू लिख के ले ले, ये लड़की मरवाएगी। अरे भाई तू लिख के ले ले, ये लड़की मरवाएगी। हमसे ना हो पाएगा, हम थोड़ी कम शॉपिंग कर लेंगे, तुम नाचो नाचो। दीदी सुनिए ना, बस थोड़ी देर के लिए और है। देखिए आपका डांस सब पसंद कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ऑडियंस का ना दिल टूट जाएगा। सच्ची? हाँ। कसम से? कसम से। ए भाई तू लिख के ले ले, लड़की मरवाएगी। भाई तू लिख के ले ले, ये लड़की मरवाएगी। हाय हाय, ये तो सच में गिरे हुए हैं। और अब बारी है हमारे सबसे खास जोड़े की, यानी कि पारुल जी और उनके जीवन साथी की। पारुल जी जो कि अब तक हर राउंड को जीतती आई है, एक भी राउंड में हारी नहीं है, अब देखना यह होगा कि वो इस राउंड में क्या कमाल करेंगी, और साथ में ये भी कि इस महिला का आखिर पति कौन है और क्या इनके पति इनके जीत की तरफ बढ़ते हुए कदमों के साथ कदम मिला पाएंगे। तो प्लीज स्टेज पर आएंगे पारुल जी और उनके जीवन साथी जोरदार तालियों के साथ। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी फल को देख के पेड़ के बारे में पता कर सकती है, और फिर पति और पत्नी सिक्के के दो पहलू हैं। जब पति सामने आ जाएगा तो घूंघट के अंदर की पत्नी का बराबर से पता चल जाएगा, है कि नहीं? पारुल जी आप अकेली क्यों आई? अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं आएंगे तो आप ये कॉम्पिटिशन हार जाएंगे, आप जानती है ना। सच में हमारे परफेक्ट हस्बैंड है अर्नब जी। हाय हाय, ये कौन है? ये लगता है घूंघट वाली का पति है। अपने दामाद की हिलती हुई कमर को देख के आपका दिमाग हिल गया है, इसीलिए इसे ख्याल आ रहे हैं आपको। अरे पर ये है कौन? ये इनका प्यार है, इनके पति, और तो कौन ही हो सकता है अम्मा जी। अच्छा, अगर ई घूंघट वाले का पति है ना तो बात साफ है, ई घूंघट वाली हमरी बहुरिया पल्लवी ना ही हो सकती। कहे कि अगर ई पल्लवी होती तो ई के साथ तो अर्नब होता। कोई गवाह?
एक तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ मेरा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, मेरी यारा, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा वे, हो मेरी यारा वे, मेरी यारा। प्यार जो जख्म दे वो प्यार से ही भरता है, रूह से जिस्म जब मिलता है, इश्क कहाँ मिल तब होता है। मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। बस कीजिए, बैठ जाइए। कहीं अर्णव से पल्लवी की शादी करके उन्हें गलती तो नहीं करती? अगर ये घूंघट वाली हमारी बहुरिया होती तो और भी फायदे में होते ना हम। तो ये सारा ड्रामा आपका किया हुआ है दीदी। अर्णव हमारे भाई। मैं ना आपकी ये चीची भाभी कोई सहेली नहीं हूँ, बेवकूफ बन जाऊंगा। सिर्फ आपकी वजह से पल्लवी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा बेचारी यहाँ। आपने पल्लवी के साथ जो भी किया है ना दीदी, बिल्कुल सही नहीं किया है। Enough. मैं देखता हूं पल्लवी के साथ कौन गलत करता है और कैसे गलत करता है। और जजेस की तरफ से सभी जोड़ियों के नंबर हमारे पास आ चुके हैं और इस राउंड की विजेता है पारुल जी और उनके जीवन साथी। जोरदार तालियां। अच्छा किया दामाद जी जो आप भी चले आए, बस आप ही की कमी रह गई थी यहाँ। अगर हम यहाँ नाचने नहीं आते ना ससुर जी, तो आपकी इज्जत यहाँ से नाचते नाचते चली जाती। और क्या बताते पूरे जौनपुर वालों को जब बातें होती कि शास्त्री जी के दामाद ने उनकी बेटी को छोड़ दिया है। घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती तो आपकी इज्जत नहीं जाती। हमरे दामा जी तो हमसे भी बड़े पलटू निकले, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, पगड़ बिला कहीं का। फिर बोली आप कुछ। हाँ हम बोले कि वाह 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 दामा जी का नाचे हैं आप। सासू माम बहुत अच्छा नाचते हैं और बहुत अच्छा नचाते भी, ये बात तो आपको अच्छी तरह पता होगी। पता है ना। तो ये बताइए क्या हुआ हमारी विदेश यात्रा का, हमारे टिकट का, कहाँ भेज रहे हैं हमें? थाईलैंड।
इस कंपटीशन के बाद में बात करें या अभी यहीं से निकल जाएंगे? छोड़ दी थी, लेकिन आपने आकर हमें हारने से बचा लिया। आना तो था ही, हार ना ही मुझे अपने लिए बर्दाश्त और ना ही अपनी पत्नी के लिए। पल्लवी, प्रतियोगिता का आखिरी राउंड बचा है। मैं चाहता हूं तुम अपना बेस्ट दो और उसको जीत कर ही मेरे सामने आओ। I will try my level best होता है पल्लवी। जी भाई, एक बार फिर से थैंक यू अर्णव जी। अब हम आ पहुंचे हैं प्रतियोगिता के आखिरी राउंड पर, जिसका नाम है क्षमा येशु धरित्री, जिसमें हम आपके धैर्य और विश्वास को परखेंगे। और विशेष बात, इस राउंड की समय सीमा होगी सिर्फ 3 मिनट। और आपको इस राउंड में करना क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देखेंगे और फैसला करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे हर प्रतियोगी के सर पर पानी से भरी हुई एक मटकी है। जो प्रतियोगी पूरे 3 मिनट तक इस मटकी को संभाल पाएगा और जिसकी मटकी से सबसे कम पानी छलकेगा वो होगा हमारा विजेता। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे सभी प्रतियोगी पूरा जोश और उत्साह दिखा रहे हैं और देखना यह है कि कौन इस राउंड का विजेता बनेगा। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे से संतुलन बना रहे हैं, देखते हैं कौन टिक पाएगा। पारुल जी, जिनसे कि सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो भी मैदान में डटी हुई हैं। देखना यह है कि कौन सबसे पहले आउट होगा और कौन जीतेगा इस खिताब को। सभी के पैर कांपने शुरू हो गए हैं और काफी ही रोमांचक ये मुकाबला। और मंच चली जी आउट। आए हाय, तो इस तरह हमारी एक प्रतियोगी बाहर जा चुकी है और अब मुकाबला है 4 लोगों के बीच। अब देखते हैं कौन आउट होता है और कौन जीतता है। जिलमिल जी आप भी प्लीज बाहर चले जाइए। आई हाय, या भी हार गई नालायक। अच्छा हुआ ये राउंड बार जो है उसके बाद प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, तो कटी हुई नाक जो है और भी छिल जाती। और अब हमारे रह गए हैं 3 प्रतियोगी जो मैदान में डटे हुए हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे कहां तक ये बात जाती है और कौन बनता है हमारा विजेता। कौन बाहर? और दीपशिका जी आउट, आप भी बाहर जाएंगी। और अब मैदान में बची हैं बस 2 प्रतियोगी। वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। बस कुछ देर और, हार मत मानना। आप हार नहीं सकती हैं पल्लवी जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। अब जब इस पंखे से घूंघट वाले का घूंघट उड़ेगा ना और ये मिर्ची का पाउडर इसकी आंखों में जाएगा, तब पता चलेगा कि इसमें कितना धैर्य और कितना
कितना विश्वास है। अब हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं इस राउंड को पूरा होने के लिए, मतलब सिर्फ एक मिनट। और दोनों प्रतियोगी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ चंचल जी हैं जो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से उनको एक राउंड तो जीतना ही है, और दूसरी तरफ पारुल जी के पास बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब तक एक भी राउंड में हारी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। उसके लिए मटकी गिराओ। ये घूंघट वाली पल्लवी पल्लवी